मैकेनिक भाइयों, ये है बजाज पल्सर NS125 BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर। और आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि इस बाइक में इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है, यानी करंट का जो कंप्लीट फ्लो किस तरह से काम करता है उसके बारे में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि जब भी ऐसे BS6 की गाड़ियां या हेवी सीसी की गाड़ियां आपके गैराज में पहुंचती है सर्विस को लेकर, इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट को लेकर या नॉर्मल कोई प्रॉब्लम को लेकर, तो उसको काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं, बट बड़ी समस्या जो उत्पन्न करवाती है गाड़ी वो है करंट का। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि पल्सर की जो NS सीरीज है या बजाज की जो पल्सर सीरीज है उसके अंदर अगर स्पार्क जनरेट ना हो और ख़ास तौर पर वो BS6 की गाड़ी है, तो हमें क्या क्या ऐसा स्टेप में यूज लाना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी BS6 बाइक आपके गैराज में DTSI ट्विन स्पार्क वाली गाड़ी पहुंचे तो आप आसानी से उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जी हाँ मैकेनिक भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर कभी आपके पास गैराज में गाड़ी आए और उसके अंदर अगर करंट ना आ रहा हो तो क्या क्या ऐसा चेक करना चाहिए, और कुछ ही समय में आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप बताते हैं, क्योंकि NS125 BS6 अबर न्यू वाली गाड़ी है। चलिए एक एक स्टेप बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। जब भी करंट की समस्या लेकर बाइक पहुंचती है तो सारी चीज़ों को ओपन करें, सीट ओपन करें, सीट पैनल ओपन करें, फ्यूल टैंक को ओपन करें, फ्रंट साइड हेडलाइट असेंबली को ओपन करें। मैंने सारी चीज़ें ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर दो चीज़ें सबसे पहले चेक करना रहता है कि चाबी स्विच ऑन करने के बाद इग्निशन काम कर रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो किल स्विच का वायर दिया हुआ है ये किल स्विच काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी मैं जैसे इसके चाबी स्विच को ऑन किया तो हॉर्न परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब इसके किल स्विच के वायर को हम डायरेक्ट करेंगे। ये जो वाइट कलर का आपको कपलर दिख रहा है ना, ये सॉकेट, इसे हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से मैं फ्लो आपको बताते चल रहा हूँ, ये अगर स्टेप आप यूज में लाते हैं तो 100% करंट का जो प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इग्निशन स्विच काम नहीं करता है तो आप इस वाले वायर को डायरेक्ट करेंगे, बट अभी हमारा इग्निशन स्विच काम कर रहा है, सिर्फ के सिर्फ हम इसके किल स्विच को डायरेक्ट करने वाले हैं। किल स्विच को डायरेक्ट करने के लिए इस तरह से एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। एकदम पतला सा वायर का टुकड़ा होना चाहिए ताकि हम सिर्फ किल स्विच को अच्छे से डायरेक्ट कर सकें। अगर किल स्विच काफ़ी समय ख़राब हो जाता है तो वो यहाँ पे आपका परफेक्ट रिजल्ट निकाल के देगा। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके जस्ट बाद आपको इसके अंदर स्पार्क चेक कर लेना है कि हमारी गाड़ी में स्पार्क है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के हम स्पार्क चेक कर लेंगे, इसके अंदर स्पार्क जनरेट हो रहा है या नहीं। तो किल स्विच और इग्निशन को डायरेक्ट करने के बाद भी इसके राइट हैंड साइड में स्पार्क जनरेट नहीं हुआ। अब चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। मैंने इसके राइट हैंड साइड टेस्टिंग कर ली है, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड स्पार्क चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो मेथड होना चाहिए इसका कि गाड़ी के अंदर करंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इसके किल स्विच को डायरेक्ट करेंगे, चाबी स्विच को डायरेक्ट करेंगे, फिर से इसके स्पार्क को चेक करेंगे। उसके बाद भी अगर स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं खराबी है। उसके बाद इसके टेस्टिंग मेथड को हम आजमाना शुरू कर देंगे, यानी सबसे पहले इसके CKP सेंसर को चेक करेंगे, फिर इसके यहाँ पर लगा ECM के इनपुट को चेक करेंगे। बट अभी कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसका इग्निशन कॉइल ख़राब है या इस गाड़ी में लगा ECM ख़राब है CKP सेंसर खराब है। तो इन सारे चीजों को क्लियर करने के लिए यहां पे जो DLC कनेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर आप कोई ऐसा OBD स्कैनर लगाएं जो बंद गाड़ियों को ECU को स्कैन कर ले। चलिए मैं सबसे पहले OBD स्कैनर लगा लेता हूं और देखता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसा सेंसर या एक्चुएटर की खराबी दिखता है या नहीं। जो दिखेगा उस हिसाब से हम लोग टेस्टिंग करेंगे, और इसके अंदर कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं रहेगा उसके बाद हमें क्या क्या चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके ECM को स्कैन करने के लिए इसके अंदर हम बजाज का ये रेड वाला केबल असेंबल कर देंगे, और बंद गाड़ियों को अगर कोई स्कैनर स्कैन कर पाएगा तो वो है लॉन्च का। ये सूटेबल जो है कोई भी बंद गाड़ियों के ECM को
काफ़ी आसानी से स्कैन कर लेता है। अब इसके केबल में हम लगाएंगे और कुछ ही मिनट में ये पता करेंगे गाड़ी के अंदर करंट क्यों नहीं आ रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा सेंसर या एक्चुएटर में ख़राबी है या नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इग्निशन स्विच ऑन कर देंगे। चाबी स्विच ऑन करने के बाद आपको लॉन्च की ब्रांडिंग दिख गई होगी। अब इसके अंदर डायग्नोसिस पे हम ओके कर देंगे। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगा एकदम एक्यूरेट जानकारी ये बता के देगा कि आपकी गाड़ी में करंट इस वजह से नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या सटीक तरीके से काम करता है या नहीं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ DTC इन दी ECU, मतलब इसके ECM के अंदर एक भी फॉल्ट कोड नहीं है। अगर मैं इसके रीड कोड के ऊपर इस चेक करूँ तो देखें एक भी इसके अंदर कोड नहीं दिख रहा है। दिस व्हीकल हैज़ नो फॉल्ट कोड, इसके ECM में कोई भी फॉल्ट कोड है ही नहीं, यानी कोई भी ऐसे सेंसर्स या एक्चुएटर के रिलेटेड ख़राबी नहीं है। तो पहले स्टेप में आपको चाबी स्विच डायरेक्ट करना है, दूसरे स्टेप में इसके कंप्लीट किल स्विच को डायरेक्ट करना है, तीसरे स्टेप में OBD लगा के ECM को स्कैन करना है। अब इसके प्रोसेस को कहाँ पर बढ़ा के ले जाना है चलिए वो मैं बताता हूँ। इसके टेस्टिंग प्रोसेस को बढ़ाते हुए आप यहाँ पे मैग्नेट साइड आ जाना और इसकी टेस्टिंग करनी है CKP सेंसर का, कि हमारा जो पिकअप कॉइल है वो सही है या नहीं, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मल्टीमीटर को उपयोग में लाएंगे। मल्टीमीटर को सेट करना है 2000 ओहम पे। याद रखें BS6 की गाड़ी आपके पास गैराज में कभी भी ये बड़ी समस्या लेकर आ सकती है। तो टेस्टिंग का मेथड क्या है, 2000 ओहम पे हम मल्टीमीटर को लगाएंगे और इसके दोनों प्रोब को यहाँ पे जो आपको वायर दिख रहा है रेड प्लस ये वाइट कलर का और ब्लैक प्लस येलो कलर का, इन दोनों वायर में टच करेंगे तो रीडिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं दोनों वायर को अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने दोनों वायर की कनेक्टिविटी ले ली है और रीडिंग अगर देखें 210 का इसका रेजिस्टेंस ओहम जो है दिख रहा है इसके मीटर के ऊपर। आप कलर कोड भी देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर के ब्लैक प्लस येलो और वाइट प्लस रेड में मैंने लगाया है। और CKP सेंसर का रीडिंग देख लें, जो बजाज की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में इतना रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो पिकअप कॉल एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और याद रखें टेम्परेचर के ऊपर भी इसका जो रीडिंग फ्लक्चुएट करता है। तो अभी जब भी चेक करना हो आपको तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही चेक करें, जब आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा 210 ओहम का। अब चलिए इसके ECM के अंदर हम चेक करेंगे आने वाले इनपुट वोल्टेज की, आउटपुट की और सिग्नल की, सारे वायरों को चेक करेंगे। NS के अंदर इनपुट इसके ECM के अंदर जब भी चेक करना हो तो सीट के नीचे इसका ECM लगा होता है। और आपको बताते चलें, और अगर बाइक या स्कूटर से कंपेयर किया जाए इसके इनपुट सप्लाई की तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अलग देखने को मिलेगा इसके अंदर। आपने TVS के अंदर जब चेक करना है तो वहाँ पे आपको ऑरेंज प्लस ब्लैक वाले वायर में 12 वोल्ट दिखेगा। हीरो की गाड़ियों में देखना है तो वहाँ पे रेड प्लस ब्लैक में देखने को मिलेगा। होंडा की गाड़ियों में आपको रेड प्लस वाइट में देखने को मिलेगा। बट बजाज ही एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करता है अपने ECM को और इस तरह से इसके अंदर डिज़ाइन किया गया इनपुट वोल्टेज का, जो आपको तीन अलग अलग वायरों में चेक करना है। एक डायरेक्ट बैटरी का 12 वोल्ट, एक इग्निशन स्विच का 12 वोल्ट, एक किल स्विच का 12 वोल्ट। ये तीन चीज़ें इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए इसके ECM को वर्क करने के लिए। तीन में से एक भी जगह से इनपुट इसको नहीं मिल पा रहा होगा तो आपकी गाड़ी में करंट की समस्या होगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऐसा वायर किल स्विच के लिए है, कौन सा बैटरी के लिए और कौन सा इग्निशन स्विच के लिए है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा तीन वायर हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे पहला एक वाइट कलर का आपको वायर दिख रहा होगा, इसमें चाहे आप चाबी स्विच ऑन रखें या ऑफ रखें डायरेक्ट 12 वोल्ट का सप्लाई इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक वायर आप समझ सकते हैं, अभी टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। और दूसरा वायर यहाँ पे है ब्राउन प्लस ब्लैक, बजाज की गाड़ियों में ब्राउन बहुत अहम कलर होता है। तो इसके अंदर जब चाबी स्विच ऑन करेंगे जब 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा, चाबी स्विच ऑफ कर देंगे वोल्टेज का सप्लाई आना बंद हो जाएगा। एक यहाँ पे है ग्रे प्लस रेड कलर का वायर, इसके अंदर जब सप्लाई आएगा जब हम इसके किल स्विच को ऑन करेंगे। चलिए हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है या नहीं। जब भी ECM को ख़राब साबित करना हो ना तो ये टेस्टिंग मेथड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कलर कोड मैंने क्या कहा, वाइट कलर का कहा। अभी मैं इसके वाइट में इसका रेड प्रोब ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर ब्लैक लगाता हूँ
तो जैसे ही ग्राउंड ऐड किया, चाबी स्विच ऑफ है, मैं इसके हॉर्न वगैरह सेल्फ वगैरह सब बजा के दिखा दूँ, कुछ काम नहीं करेगा। बट डायरेक्ट इसका जो है बैटरी का सप्लाई इसके वाइट वाले वायर में आना चाहिए बिना चाबी ऑन किए। तो देखें एकदम परफेक्ट तरीके से अब आ रहा है, और जब चाबी स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे ग्रे प्लस ब्लैक वाले वायर में आपका 12 वोल्ट आना चाहिए पिन नंबर 2 में। ऐसे जैसे मैंने इसको टच किया, ये देखें चाबी स्विच ऑन कर दिए हैं, डायरेक्ट इसका 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। एक जो वायर है इसका ग्रे कलर का, ये जब काम करेगा जब हम इसके किल स्विच को ऑन करेंगे, जब इसके अंदर वोल्टेज की सप्लाई आएगी ग्रे प्लस रेड कलर का। चलिए मैं इसके अंदर ऑन करके किल स्विच को एक हाथ से ऑन करता हूँ। ग्रे में मैंने कनेक्शन ले लिया है इसका, अब मैं इसके किल स्विच को ऑन करूँगा वोल्टेज आएगा, ये देखें वोल्टेज आ गया। जैसे इसके किल स्विच को ऑफ कर दूंगा वोल्टेज चला जाएगा। ये मेन इसके एयर इंजेक्शन एक्चुएटर, ऑटो चॉक, ये सारी चीज़ों को वर्क करवाने के लिए रहता है। किल स्विच ऑन करेंगे, ECM को सिग्नल मिला, फिर से ऑफ कर दिए, कंप्लीट वोल्टेज कट ऑफ हो गया। तो ये किल स्विच का सारा यहाँ से खेल होता है। तो तीन वायर में अगर आप इनपुट चेक कर लिए उसके बाद भी करंट नहीं आता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर ECM ख़राब है। अब इसके अंदर ECM लगाने के बाद हम इसके टेस्टिंग मेथड को और आगे ले चलते हैं इसके इग्निशन कॉइल तक। अभी जो मैं लास्ट इसका स्टेप बताने वाला हूँ इग्निशन कॉइल का, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट की टेस्टिंग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। मल्टीमीटर को आप 200 ओहम पे सेट करें, कहाँ पे? 200 ओहम पे। और उसके बाद ये जो दोनों पिन है ना, ये इग्निशन कॉइल जो आता है इसका जो NS का, वो सिर्फ सिंगल पिन का होता है, और एक पिन इसका इस राइट हैंड साइड पे मिलेगा सिर्फ सिंगल पिन का, सिग्नल के लिए वायर आता है। तो जो पिन 1 ये है, ये इसके इस HT कॉइल के इस साइड लगा देंगे, और जो पिन 2 है वो इसके HT कॉइल के इस साइड लगा देंगे, और अभी रीडिंग आपको अलग दिखेगा। बट जैसे इसके चाबी स्विच ऑन करेंगे, यूँ मैंने इसके चाबी स्विच को ऑन कर दिया, अब इसके अंदर कंपनी रिकमेंडेड जो रीडिंग बताया जाता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। फिर से मैं लगा देता हूँ इसके 200 ओहम पे, कंपनी जो कह रही कि इसके अंदर जो रीडिंग होना चाहिए वो 0.3 से 0.9 ओहम का रीडिंग होना चाहिए, बट ये क्या है 0.16, 1.7 इसके अंदर फ्लक्चुएशन दिख रहा है, काफ़ी समय ऊपर नीचे रीडिंग होता है, परफेक्ट रीडिंग अभी नहीं मिल पा रहा है, 0.3 से 0.9 ओहम का रीडिंग होना चाहिए। तो ये था इसका प्राइमरी टेस्टिंग। अब इसके सेकेंडरी टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20K पे लगाएंगे, और एक वायर इसके मोटा वाला जो इस साइड का पिन रहेगा इसमें लगाएंगे, और दूसरा वायर इसके यहाँ पे पिन में लगा देंगे। रीडिंग कंपनी खुद क्या कह रही है इसके अंदर जो दिखना चाहिए 4.5 से लेकर 6.5 का, बट यहाँ पे 5.12 का एकदम रीडिंग परफेक्ट है। जो बीच में इसका रीडिंग है, यानी इसका इग्निशन कॉइल का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सर्किट सही है। इसी टाइप से इसके सेम अपोजिट साइड भी चेक करना है, यानी ये पिन अभी हम लगा देंगे इस साइड पे यहाँ, और अब इसके मोटे वाले वायर पे एक तार लगाएंगे। आप समझ सकते हैं कितना आसान है इसका टेस्टिंग। एक इस मोटे वाले वायर में लेंगे जब हमें यहाँ पे इसका कनेक्शन लेना है, और जब इस वाले मोटे वायर में लेंगे जब इसका पिन 2 यहाँ पे कनेक्ट कर देना, यानी उस वाले सिग्नल से वहाँ से हमें लेना ही पड़ेगा जब इसका रीडिंग देखने को मिलेगा। और ये मैं खुद नहीं, कंपनी खुद PDF में कहती है। अगर यहाँ पे देखें तो खुद रेजिस्टेंस दो पिन के अंदर चेक करें, रेजिस्टेंस 4.5 से लेकर 6.5 ओहम का देखने को मिल रहा है, देखिए परफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये है सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने बताया कि किस तरह से आपको एक एक स्टेप चेक करना है। पता क्या चला मैंने इसके अंदर खराबी ECM का, क्योंकि ECM को इनपुट मिल रहा है वो आउटपुट नहीं भेज पा रहा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में करंट की समस्या है। अभी मैं इसके अंदर ECM लगाता हूँ और देखता हूँ कि हमारी गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट होता है या नहीं। अब इसके अंदर स्पार्क आना शुरू हो गया है, आप खुद देख सकते हैं, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है, दोनों साइड से स्पार्क जनरेट हो रहा है। पता क्या चला कि सिर्फ ECM के अंदर रिप्लेसमेंट मैंने किया है। ECM को फेर बदल करने के बाद एक रनिंग गाड़ी से मैंने चेक किया, अब इसके अंदर करंट की सप्लाई होना एकदम परफेक्ट तरीके से शुरू हो गया। तो मैकेनिक भाइयों, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि जब भी आपके पास कोई सी भी ऐसी BS6 की गाड़ी आती है, जिस तरह से मैंने PDF की मदद से और इसके वायरिंग डायग्राम की मदद से कंपनी रिकमेंडेड जो सटीक इन्फॉर्मेशन होता है ना,
वो आपको शेयर किया, ताकि आने वाले समय में अगर कभी आपके पास गैराज में गाड़ी भी आती है तो जो मैंने आपको मल्टीमीटर के उपयोग करने का तरीका बताया, सारी चीज़ें ओपन करके दिखाया कि कैसे कैसे इसके करंट को चेक करना है, कभी अगर स्टार्टिंग ट्रबल को लेकर, मिसिंग को लेकर, या फिर गाड़ी जो है टाइफिट या टाइमिंग को लेकर गाड़ी में प्रॉब्लम आता है, तो उसका भी वीडियो आपको शूट करके प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको आसानी से कभी भी सोल्यूशन दिया जा सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल आपको वीडियोज मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।